गुड मॉर्निंग सुप्रभात, जय श्री राम भाई। अभी बज रहे सुबह के 10:30 और अभी हम चाय पीकर आ चुके हैं होटल से। अब चलते हैं नहाने के लिए। भाई अभी बैठा है यहीं पर और इनकी गाड़ी का, भाई की गाड़ी का पट्टा टूट चुका है। नहीं आवे अबे, ये तो नहीं लागे ने, ये क्या थी लेना गया चलू आगू। अभी भाई बैठे हैं यहीं पर, माल तो कुछ बन नहीं रहा है। ये गाड़ी है मड़ासा की और भाई भावनगर से है, भावनगर ने भावनगर। तो बस बाकी बाकी सब जितने सब काम कर रहे हैं, बाकी सब मिल रहा है, बाकी सब बढ़िया है, बस माल नहीं मिल रहा है। हाँ, माल मिल जाए बस, बस माल मिल जाए तो रोड पर चल जाएगा। हाँ, खड़े रहते हैं तो मज़ा नहीं आता है, बस रोड पर चलना चाहिए। आप भी आ जाइए नीचे, दो दिन से कब पड़े हैं, क्या करेंगे, कब से गाड़ी में ही बैठे हो, नीचे तो उतरते नहीं हो आप, फिर कहाँ से माल मिलेगा। थोड़ा सफाई करना पड़ता है ना गाड़ी में, थोड़ा नहीं बहुत करना पड़ता है। हाँ खाना वाना खाएंगे, क्या करेंगे, जाना पड़ेगा पक्का, क्योंकि भाई ये लग ही नहीं रहा है उसमें स्प्रिंग में, कमाने में लगेगा तो ही सेट होगा ना। ये छोटा है और पट्टा चौड़ा है, वो आपके माल का क्या हुआ, वो हरियाणा का माल था ना, कुछ इस मंदी में वही दिक्कत है सबसे बड़ी वाली। बड़ौदा भी कंफर्म नहीं हुआ, देखते हैं क्या होता है, बारिश है ऐसा ही चलता रहता है। बाकी आज तो गाड़ियां कम है, कल बहुत थी नहीं, कल बहुत थी, कल गाड़ी बहुत लोगों की थी, आज कुछ माल ही नहीं बोल रहा है। आज दो तीन गाड़ियां आई है, निकली एक भी नहीं है। यहाँ अभी बारिश भी नहीं गिर रहा है, अभी यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होना चाहिए लेकिन अभी बारिश भी नहीं है। बाकी सब ठीक है लेकिन मौसम एक ठंडा है ना, यही बढ़िया है। पहले मैं यहाँ पर आया था तब भाई मौसम कितना खराब था, एकदम गर्मी गर्मी पूरी। ठंडी का मौसम है इस बार, ये ठंडी का मौसम भी है। अभी हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं और वीडियो एडिटिंग हो चुकी है अपनी, सेव हो रही है बस। ये तो काले आपसे आज उतारवानू, काले अपलोड करवानू। भाई बैठ चुके हैं ऑटो में और निकल चुके हैं यहाँ से। जामुन खा रहे खाइए खाइए, आधे किलो लिए थे हमने, अभी कितने बचे बचे हैं, चलो अभी यही खा रहे हैं फिलहाल। वैसे है सही है, भाई काफी ज्यादा घूम रहे हैं लेकिन हमें जो चीज चाहिए वो मिल नहीं रही है, क्या लगता है अब मिल जाएगी? मिलेगी, कोशिश करना ही पड़ेगा, बहुत परेशान लेके ही जाएंगे अब। यार गाड़ी लेलैंड की लेके आए हो और सब स्पेयर पार्ट भारत में ही लग रहे हैं, चौड़ा पाटा दे दिया है, बहुत चौड़ा पाटा दे दिया है भाई। अभी चल रहे हैं, पता नहीं इस भाई को समझाया है ऑटो वाले को, उसने गैरेज वाले ने ऐसे ऐसे करके जाना है, ले तो आ गए पढ़ा गए जो ये था कि नहीं, अब देखते हैं भाई यहाँ पर काम अपना बनता है या नहीं, जो हो जाते मेहनत करे इनको। हाँ, और भाई ये ना बंदा, उसका एक पैर नहीं है बंदे का, फिर भी देखो मेहनत करके कमा कर खा रहा है। और भाई कुछ अट्ठे कट्ठे जवान लोग है वो भी भीख मांगते हैं, ये मेहनत करके मेहनत। हाँ भाई मेहनत का ही खाना चाहिए भाई, लेट आता है। अरे भैया अभी अभी दो मिनट हमें भी लेट ही हो रहा है, ये आप भी लेट हो रहे हैं, हम भी लेट हो रहे हैं, लेकिन मिलना ना।
फाइनली भाई जो काम अपना था वो खत्म कर दिया, अब निकल रहे भाई। और कितने में पड़ा अपने को ये जुगाड़ पूरा? ये पूरा जुगाड़ 1000 रुपए का, 900 के करीब हो गया अपना भाई, 1000 रुपए के आस पास पहुँच चुके हैं। रिक्शा नो भाड़ो अलग है ना जी? अलग जी। हाँ भाई ऑटो का सब मिला के अपना 1200 रुपए हो जाएगा पक्का। बाकी अभी चल रहे हैं यहाँ से गाड़ी के पास, अभी जाके फिट करेंगे वहाँ लगाएंगे। अभी हमारे मिस्त्री जी कर रहे हैं काम, स्पेशली राजस्थान चित्तौड़गढ़ से मंगवाए हम मिस्त्री को, चित्तौड़गढ़ का मार बढ़ गया उसको मंगवाया है मिस्त्री को। ऑलराउंडर है ना बंदा, मिस्त्री जी गुस्से में आ चुके हैं, थोड़ा गुस्सा ठंडा करो भाई। चलो भाई अब काम हो चुका है खत्म, हो गया आप बहुत परेशान हुए क्या करेंगे भाई? इस हमारे मिस्त्री राजस्थान का जो है ना उससे कुछ नहीं हुआ, उस्ताद जी को ही करना पड़ा पूरा काम। भाई आप फेल निकले यार काम में, आपसे कुछ काम ही नहीं हुआ। हाँ इस भाई इस बंदे का है, इस गाड़ी वाले का। हाँ इमरान भाई, सुन इमरान भाई का है। बाकी अब तो जुगाड़ पक्का हो गया, ये देखिए अब नहीं हिलेगा कहीं। हाँ अब हो चुका है सही एकदम। अभी गए थे हम चाय पीने के लिए, चाय पी ली है हमने और अब यहाँ से निकलेंगे। अपना लोड हो चुका है कंफर्म, हमारी दोनों गाड़ियाँ साथ में ही है भाई। भावनगर का लोड है अपना भाई, अलंग भावनगर अलंग का भाई। जब हम वीडियो शूट करें और फोन अपना ना बजे ऐसा कभी हुआ नहीं है। फाइनली भाई अब हम यहाँ से निकल चुके हैं ट्रांसपोर्ट से और चल रहे हैं अब भाई लोडिंग के लिए। यहाँ से हमें 150 किलोमीटर आगे जाना है लोड करने के लिए गाड़ी को। और भाई अगरबत्ती भी कर दी है, भगवान को याद कर लिया है और अपने साथ जो गाड़ी है वो ये चल रही है अपने आगे। भाई चल रहे हैं कंटिन्यू, हमने भाई वो चित्रदुर्गा बेंगलोर वाली जो रोड है वो हमने छोड़ दी है। अभी हम चल रहे हैं किसी लिंक रोड पर, अब आगे चल के हमें 15 किलोमीटर से फिर वापस राइट साइड में टर्न लेना है। वो भाई अपने से आगे ही चल रहे हैं, उनका क्योंकि रास्ता देखा हुआ है तो मैं बोला आप आगे ही चलिए मैं आपके पीछे आता हूँ। और कहीं पर पूछना भी हो तो भाई वो दो बंदे हैं पूछ सकते हैं गाड़ी से उतर के, मैं तो अकेला ही हूँ। ये रोड ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अचानक से भाई बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं। बीच में तो इतनी रोड ख़राब हालत में मिली थी ना अपने को भाई, ऐसा लग रहा था ये रोड है भी या बंद है आगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर आगे आए तो थोड़ा डामर दिखा हमें तो सोचा कोई नहीं अब डामर आ चुका है तो रोड चालू ही होगी, वरना भाई पूरी मिट्टी ही मिट्टी थी और भाई ये बड़े बड़े गड्ढे थे। अगर भाई भरी हुई गाड़ी अगर भरी हुई गाड़ी रहती ना तो मैं यहाँ से वापस घुमा लेता भाई, किसी और रूट से चला जाता, लेकिन भाई ऐसे रोड में मैं नहीं डालता भरी हुई गाड़ी। रोड भाई इतनी बेकार थी भाई, रोड की हालत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। भाई 150 किलोमीटर ऐसे रहेंगे तो भाई कैसे सफ़र निकलेगा अपना। चल रहे हैं कंटिन्यू अब भाई, और अपना सफ़र यहाँ से 100 किलोमीटर बचा है, देखते हैं पूरा सफ़र निकाल कर कहीं रखेंगे गाड़ी या उससे पहले ही कहीं रख देते हैं। गाड़ी तो वैसे भी सुबह में ही लोड होगी, अभी तो 10 बज रहे हैं भाई। रोड की हालत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आगे हाईवे तो है लेकिन और कितना दूर है वो पता नहीं है अपने को। भाई अभी बज चुके हैं रात के 11:30 और अभी हम चल रहे हैं भाई, लगा दिया है दोनों गाड़ियों को साइड में। और ये होटल है सरदार जी पंजाबी ढाबा, चलते हैं खाना खाने के लिए। अब तो भाई भूख ने ना हालत ख़राब कर दी है और टाइम देखिए भाई 12:23 हो चुके हैं, 12:30 बज रहे हैं।
भूख से हालत खराब हो चुकी है। मैं तो यही सोच रहा था होटल आएगी या नहीं, तो चलो कोई ना, मिल तो गया। ये होटल वही है ना हम पंप पे जो देख रहे थे, वही है होटल। चलते खाना खाने के लिए भाई। भाई आ चुका है अपना खाना, दाल मखनी और मटर पनीर रोटी। अब उस्ताद जी खाना खाते हैं, चलो इनको ज़्यादा भूख लगी है। मारवाड़ी मारवाड़ी को ज़्यादा भूख लगी है, चलो अब खाते हैं खाना। भाई खाना पीना अपना हो चुका है कंप्लीट, और अभी भाई इसी होटल पर सो जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ से जो अपना लोडिंग पॉइंट है ना वो 35 किलोमीटर ही बाकी है। तो अब भाई यहीं पर सो जाते हैं, यहाँ से सुबह में चलेंगे 6 बजे। 6 बजे यहाँ से निकल, 6 बजे भाई हम यहाँ से निकलेंगे, तो साढ़े, तो भाई 7-7.5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे लोडिंग पॉइंट पर। फिर देखते हैं आगे का कब तक लोड होगी, कब निकलेंगे यहाँ से। तो भाई बस आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं कल आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।